सीपी वर्मा एक नई स्लाइड का इंट्रोडक्शन कि बैटरी चार्जर कमिंस डीजी सेट के लिए किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं, आज मैं आपको इस बारे में एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। तो लेट अस कम टू ए प्रेजेंटेशन कि सिलेक्शन ऑफ बैटरी चार्जर और कमिंस डीजी सेट। ये जनरेटर का रेटिंग है 7.5 kVA से लेके 7.5 kVA से लेके ये 3350 kVA, ये कमिंस का रेंज है। इस रेंज के बाद ये बैटरी का केबल साइज, जो केबल यूज करते हैं उसका साइज है। दिस टेबल नॉर्मली गिवन बाय कमिंस। ये नंबर ऑफ बैटरीज है कि 7.5 kVA के लिए एक बैटरी लगती है 12 वोल्ट की और उसकी AH कैपेसिटी 32 होती है। ऐसे ही 7.5-10 kVA और ये 3370 kVA 50 kVA 3350 kVA तक ये टोटल चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे कि 1500 kVA तक दो बैटरी आती है 160 AH का, और उसके बाद 1750 kVA के लिए चार बैटरी आता है। तो 1750 से 3350 तक चार बैटरी आता है और उससे पहले 1500 kVA से लेके आपका 180 kVA तक दो बैटरी आता है। तो यानी ये 24 वोल्ट सिस्टम है। आगे का इससे 7.5 kVA से 160 kVA तक के जो डीजी सेट हैं वो 12 वोल्ट का सिस्टम है। अभी यहाँ पर चार्जर का कैपेसिटी के लिए मैं यहाँ बताता हूँ कि ये जो रेटिंग ऑफ चार्जर्स एट द रेट C20, ये C20 रेट ये जो होता है, ये C20 यहाँ पर C20 रेट है और ये वाला C10 रेट है, ये C10 रेट है और ये C20 रेट है। C20 रेट का मतलब होता है कि किसी भी डिस्चार्ज बैटरी को, फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी को 20 घंटे में आप चार्ज करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है बैटरी चार्जर का सिलेक्शन, यहाँ पर आप देखिए कि ये हमने AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी लिया, उसको डिवाइड बाय 20 किया, प्लस 2 एम्पियर इज ए कंट्रोल सर्किट लोड जनरली, और उसमें 10% कैपेसिटी हमने चार्जर का और ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है जिससे आपकी रेटिंग 3.96 एम्पियर आती है। अब ये 3.96 के लिए हमने जो किया हुआ है सिलेक्शन, वो 10 एम्पियर 12 वोल्ट का SMPS चार्जर किया है, ताकि 4 एम्पियर का भी लोड है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये C10 का मतलब है कि यहाँ पर आपने देखिए AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय 10, यानी कोई भी बैटरी 10 घंटे में फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी को ये चार्ज करना चाहते हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना है, या C20 रेट है उसमें 20 से डिवाइड करना है। एड कंट्रोल सर्किट मल्टीप्लाइड बाय 10% ओवरलोड कैपेसिटी। सो इस तरीके से चार्जर की कैपेसिटी हमारी निकलती है। नॉर्मली जो जनरेटर होते हैं, जो चार्जर है, ये मैंने ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है, ये चार्जर AMF ऑपरेशन में ए वाला जो रेटिंग है वो आपको इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 एम्पियर का जो चार्जर है, 10 एम्पियर 12 वोल्ट, 10 एम्पियर 12 वोल्ट का चार्जर 160 kVA तक यूज होता है, और इससे आगे फिर ये दो बैटरी होती है तो यहाँ 24 वोल्ट का हो जाता है। यहाँ भी 10 एम्पियर 24 वोल्ट का SMPS चार्जर टिल 400 kVA यहाँ तक इस्तेमाल होता है। इससे ऊपर फिर दो बैटरी हो जाती, दो बैटरी तो है, उससे ऊपर भी दो बैटरी है, पर AH कैपेसिटी बदल जाती है 500 kVA से। तो यहाँ 100 AH की बैटरी है दो, इसीलिए इसका चार्जर 16 एम्पियर का है और ये हमने 16 एम्पियर का चार्जर 1500 kVA तक है, और उससे ऊपर फिर 25 एम्पियर का चार्जर नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ। तो ये हमारे चार्जर की रेटिंग है कि हम ये SMPS चार्जर 16 एम्पियर 24 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस केस में हमने 10 एम्पियर तक ही 10 एम्पियर 24 वोल्ट तक किया है। इससे ऊपर वाला जो चार्जर है
वो 16 एम्पियर में किया है, क्योंकि एस एम पी एस चार्जर नॉर्मली 10 एम्पियर से ऊपर रिलायबल नहीं होते। ये वाले चार्जर जो C10 है रेट, ये गवर्नमेंट में ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है। कहीं कहीं गवर्नमेंट में ऐसा क्लॉज लिखा होता है कि आपका C10 चार्जर के 10 घंटे में फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करना है, तो आप इस फॉर्मूले को ले सकते हैं। बट कंट्रोल सर्किट का लोड नॉर्मली 2 एम्पियर मानते हैं, कई 3 एम्पियर भी कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए वी हैव टेकन दिस। सो आप देखेंगे कि यहाँ जो चार्जर की कैपेसिटी है सबसे बिगर जेनसेट के लिए 25 एम्पियर 24 वोल्ट है, और यहाँ 10 आवर में देखते हैं तो 40 एम्पियर 24 वोल्ट है। ये FCBC का मतलब है फ्लोट कम बूस्ट। सो फ्लोट कम बूस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, या उसको ट्रकल ऑब्लिक बूस्ट कहते हैं, तो उन दोनों का ऑटोमेटिक सिलेक्शन रहता है आजकल। और उसके साथ जो चार्जर है वो करंट लिमिट के साथ आता है। यदि आपका 25 एम्पियर का चार्जर है तो उसमें मैक्सिमम 25 एम्पियर करंट लिमिट रहती है। अब बूस्ट चार्जर है तो वो 25 एम्पियर तक मैक्सिमम लेगा, उससे अधिक लेगा ही नहीं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा रेटिंग है, हमने रेटिंग चार्जिंग आपको एक एक करके मैं दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको ईजी हो। 7.5 KV है ये, उसके बाद 10 KV है, 15 KV है, 20 KV है, 25 KV है, 30 KV है, 35 KV है, 40 KV है, 50 KV है, उसके बाद 62.5 KV है, उसके बाद 70 KV है, 82.5 KV है, 100 KV है, 125 KV है, 140 KV है, 160 KV है, 180 KV है, 200 KV है, 225 KV है, 250 KV है, 300 KV है, 365 KV है, 400 KV है, 500 KV है, 520 KV है, 600 KV है, 625 KV है, 650 KV है, 750 KV है, 810 KV है, 910 KV है, 1010 KV है, 1250 KV है, 1500 KV है, 1750 KV है, 200 KV है, 2000 KV है, 2250 KV है, 2750 KV है, 2350 KV है। तो ये कंप्लीट कमिंस का रेंज है, और इसके साथ नंबर ऑफ बैटरी, आज के टाइम में जो बैटरी आती है वो आपको ये 32 AH से लेके टोटल आप देखें 160 AH की है। सिर्फ क्वांटिटी उसकी बदलती है, एक बैटरी लगनी है या दो बैटरी लगनी है, 12 वोल्ट का सिस्टम है या 24 वोल्ट का सिस्टम है। तो ये इसको देखते हुए आपको ये यहाँ पर अब आपको लगता है कि ये जो चार्जर है उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो चार्जर के स्पेसिफिकेशन के लिए आप जो है यहाँ पर एक मैं कॉलम और क्रिएट करता हूँ, जिसमें यहाँ लिखता हूँ चार्जर। बैटरी चार्जर मेक जो है नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो मैक्स पावर बैटरी चार्जर। इसका जो इनपुट सप्लाई है मैक्स पावर बैटरी चार्जर मेक है, इसका जो इनपुट सप्लाई रहता है इनपुट वो 160 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट अप्रोक्सीमेट AC ये रहता है, और आउटपुट फ्लोट वोल्टेज 27 रहता है अप्रोक्सीमेट, और बूस्ट वोल्ट 30 वोल्ट रहता है विद करंट लिमिट, एज पर कैपेसिटी।
एक्चुअली इस चार्जर को सेलेक्ट करने के टाइम में हमारे पास जो बेसिक क्राइटेरिया था वो था कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, दूसरा फेलियर रेट, क्योंकि हर डीजी सेट के साथ ये चार्जर जाता है तो, और रिमोट प्लेस पर जाता है, इकोनॉमिकल होने की वजह से यदि कोई चार्जर लद्दाख में चला जाता है, कहीं कारगिल में जाता है, तो वहाँ जाके ये चार्जर यदि फेल हो जाए तो इसका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल और प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए जो रिलायबिलिटी है चार्जर की, हमको ऐसा चार्जर चाहिए था जो कि रिलायबल हो, कि आपकी इनपुट वोल्टेज सपोज 160 वोल्ट से 270 वोल्ट है तो भी ये चार्जर अपने आप में खराब नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। दूसरा एक आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट फ्लोट वोल्टेज है 27 वोल्ट, नॉर्मली सेट हो गया आता है, यू कैन एडजस्ट फर्दर 27 करना है। तो इससे क्या है कि ये बैटरी को फुल्ली चार्ज बैटरी जो होती है उसकी जो वोल्टेज है कि यदि मैं चार्ज बैटरी को चार्जिंग पे लगी रही 12 घंटे 14 घंटे लगी रही और उसके बाद मैं उसको चार्जर को ऑफ कर देता हूँ तो बैटरी तो 2.5 घंटे के बाद उसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 26.5 वोल्ट रहती है। तो इसके लिए जब तक वो 26.5 वोल्ट है तो समझो बैटरी ठीक है, अच्छी कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन है, और उस टाइम में यदि मैं चार्जर को ऑन करता हूँ तो उसमें 0.5 वोल्ट का डिफरेंस है कि 26.5 वोल्ट है, 27 वोल्ट हमने सेट कर दिया तो 27 वोल्ट के ऊपर 0.5 से वो उसको बैटरी को चार्ज कर फ्लोट वोल्टेज में चार्ज करता रहेगा, जिससे कि पानी का जो एवोपरेशन, इलेक्ट्रोलाइट एवोपरेशन है, वो भी बहुत कम होगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है 24 वोल्ट DC वाला, उसको भी सप्लाई विद इन रेंज मिलेगी, इसीलिए ना तो इक्विपमेंट फेल होंगे ना चार्जर फेल होगा। दूसरा था कि इसके साथ में करंट लिमिट भी है, ये करंट लिमिट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन था कि जो इसके साथ करंट लिमिट में ये था कि आपका चार्जर है 25 एम्पीयर का, तो 25 एम्पीयर करंट लिमिट सेट कर दी। अब आप आउटपुट को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, आउटपुट को या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में शॉर्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट करने के बाद भी कोई फ्यूज नहीं उड़ेगा, कोई ट्रांसफार्मर ओवरहीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यस मैक्सिमम करंट जो है वो 25 एम्पीयर तक जाएगी बट कुछ डैमेज नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी चार्जर के टेस्टिंग में इनपुट सप्लाई आप दे दो, आउटपुट सप्लाई को लेके उसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने के बाद भी वो चार्जर फेल नहीं होगा, इवन आप 4 घंटे ऐसा करके चलाते भी हैं और उसके बाद उसके कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे तो कोई भी कंपोनेंट आपको एक्सेस हीटिंग नहीं मिलना चाहिए। यदि वो एक्सेस हीटिंग नहीं मिलता है, चार्जर फेल नहीं होता है, तो समझो इसे रिलायबल चार्जर। तो ये कैपेसिटी हमारे को, ये वाला जो रिलायबिलिटी था, ये रिलायबिलिटी हमने मैक्स पावर के बैटरी चार्जर में चेक किया था, और आज से बहुत साल हो गए, तब हमने इसकी फ्लोट वोल्टेज भी थी ये प्लस बूस्ट वोल्टेज को चेक किया विद रेस्पेक्ट टू करंट, और साथ में ये भी देखा कि इसका जो हार्मोनिक्स है, जो आपके less than 3% AC पल्स है वो less than 3% होना चाहिए, तो वो भी इसमें मिलता है। तो इसीलिए हमारे टेस्टिंग के दौरान इसकी जो क्राइटेरिया थी वो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमने ज़्यादातर मैक्स पावर बैटरी चार्जर भी साथ में किए, प्लस इसका इक्विवेलेंट वोल्टरॉन भी था, और बाकी के चार्जर और भी होते हैं जैसे कि अमर राजा है, दूसरे हैं, वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्जर होते हैं बट दे आर वेरी कॉस्टली। सो हमको ऐसा कम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा चार्जर जो इकोनॉमिकल हो, रिलायबल हो, तो वो चाहिए था, तो ये हमने चार्जर भी साथ में इसके डाला है। तो आज के लिए ये जो स्लाइड, जो ये प्रेजेंटेशन हमने सिलेक्शन ऑफ बैटरी चार्जर फॉर कमिंस डीजी सेट, आपको इसमें ये देखने से फायदा हो गया, एक तो कमिंस की फुल रेंज यहाँ पर आपको दिखती है कि डीजी सेट का कितने केवीए की रेंज में डीजी सेट अवेलेबल है, दूसरा यहाँ पर जो बैटरी का साइज ऑफ कंडक्टर है
कि वो कितने साइज का चाहिए, वो भी इसमें लिखा हुआ है। प्लस नंबर ऑफ बैटरी कितनी है, ये भी आपको दिखाई देता है, मिलता है। बैटरी एएच कैपेसिटी है, ये भी एएच पर कमिंस गाइडलाइन, ये एएच कैपेसिटी आती है। यहाँ पर हमने C20 चार्जर और C10 चार्जर का कैलकुलेशन अपने आप हमने डाला है, और बैटरी चार्जर का जो रेटिंग है वो भी हमने अपने आप डिसाइड किया है। तो नॉर्मली ये ग्रीन कलर का जो चार्जर का रेटिंग्स है, ये हम सभी AMF पैनल, नॉर्मल, DG, सिंक्रोनाइजिंग, इन सभी में देते हैं। यदि गवर्नमेंट का कोई जॉब होता है और वो 10 आवर रेट का चार्जर की कैपेसिटी मांगता है, तो ये कैलकुलेटेड है। यदि किसी को चाहिए होता है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये फ्लोट कम बूस्ट चार्जर है। तो ये रेटिंग बैटरी चार्जर और उसकी रेटिंग, और इससे टेक्निकल, इससे रिलेटेड यदि आपको कोई और क्वेश्चंस हो, आपके कुछ आपके मतलब थोड़ा क्लैरिटी और अधिक चाहिए, तो आप हमारे फीडबैक में लिख सकते हैं। मैं CP वर्मा अब यहाँ पर आपको विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।